हेलो जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी लेक्चर इंग्लिश का इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। हमारे साथ मौजूद हैं सर इमरान अनवर, प्रोफेसर इंग्लिश। सर वेलकम। सर थैंक यू। सर ने माशाल्लाह हमारे साथ, वैसे तो सर काफ़ी अरसे से लेक्चर इंग्लिश की तैयारी करवा रहे हैं, ख़ुद भी ऑब्वियसली इस फील्ड में मौजूद हैं, तो कोई ऑलमोस्ट हमारे पास स्टूडेंट्स थे कोई 180+ जिन्होंने हमारे साथ लेक्चर इंग्लिश की तैयारी की थी, और उसमें बड़ा ही बेहतरीन हमारा जो है वो रिज़ल्ट रहा है, मेल का भी और फीमेल का भी लेक्चर इंग्लिश का। तो मैं अभी पहले तो सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रिज़ल्ट आया है उसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएं, हमारे कितने बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं, ओवरऑल टोटल कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू गाइड द स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स। सर 453 कैंडिडेट्स जो है ना वो फीमेल क्लियर किए हैं, उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, और सीटें 249। और ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि जिसके 40 मार्क्स आ गए हैं वो क्वालिफाई कर गए इंटरव्यू के लिए। गुड। कंपटीशन बड़ा टफ था। आपने जैसे बताया कि हमारे पास 180 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, और वो जो स्टूडेंट्स थे वो मेल फीमेल कंबाइन थे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 8 के करीब, 8-9 मेल स्टूडेंट्स क्लियर हुए, और फीमेल स्टूडेंट्स अभी तक 18 की इतला जो है वो हमें मौसूल हुई है। इट मीन्स कि ये को 26 अल्हम्दुलिल्लाह सर, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर सर, गुड नंबर 180 मतलब आप। और कुछ बच्चे, हमने पहले ही कहा था नेगेटिव मार्किंग होती है, अभी बहुत से रिजल्ट कार्ड शो कर रहे हैं एस्पायरेंट्स 39.75, 39.2, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग का विक्टम बने। पेपर टफ था, आपको याद हो जब हमने पेपर के बाद एक वीडियो की थी उसमें मैंने कहा था कि ये जो मेरिट है वो 44-43 से ऊपर नहीं जाने लगा, तो वो मेल का 43 रहा है, फीमेल का 40 रहा है। तो अगर अगर हम रेशो देखें फीमेल के पास होने की, तो उसमें एक सीट के अगेंस्ट दो भी नहीं बन रहे। लेकिन कुछ बच्चे इसको इजी ले जाएंगे कि कंपटीशन नहीं है तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि पीएमएस, आपको भी याद होगा कि एक दफ़ा पीएमएस में जो है ना वो सीट से कम लोग क्लियर हुए थे रिटर्न में, और 2009-10 की बात है, उसमें से भी इंटरव्यू में उन्होंने फेल कर दिए थे। तो ये नहीं होता कि आप कम लोग पास हुए हैं तो इट मीन्स कि वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको इंटरव्यू में आपने अपने आप को एलिजिबल शो तो करना, हाँ मतलब रिलैक्स रिलैक्सिटी ना शो करें, बात करने का मतलब इसको हल्का ना लें कि बाजी कोई नहीं अभी तो जनाब इतना कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन लास्ट टाइम तक जब तक कि आप एलोकेट नहीं हो जाते तब तक। आपका अच्छा, अब सर इसमें जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन का क्या तरीका होता है, मतलब जारी बात है हम तो पीएमएस की सीएसएस की इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, बाकी जॉब्स की भी तैयारी करवाते हैं, लेक्चरर जो है इंग्लिश का इसका थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम बिल्कुल डिफरेंट है सर। इसमें तो एक तो फार्मूला वही होता है मार्क्स का, वन पेपर का जो होता है, कि आपके जो रिटन टेस्ट के मार्क्स हैं उनको हाफ काउंट किया जाता है, और जो इंटरव्यू के हैं वो 50 में से लगते हैं उसको डबल कर दिया जाता है। ठीक है। यानी 100 का इंटरव्यू 50 के रिटन के, और 40 मार्क्स आपके एकेडमिक करियर के होते हैं। सही ठीक है। है, अब इसमें जो पैटर्न चलता है उसमें जो जाहिर है कि आप सब्जेक्ट बेस्ड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट एंड स्पेशली दोज एरियाज इन दैट आर योर फेवरेट्स, बिकॉज इन इंटरव्यू दे विल आस्क यू अबाउट योर फेवरेट राइटर्स, योर फेवरेट जॉनरा, वेदर यू लाइक नॉवल, पोइट्री और एनीथिंग लाइक दैट, एंड वाई डू यू लाइक दैट पर्टिकुलर राइटर। देर आर मैनी क्वेश्चन एंड क्वेश्चन विल वेरी फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट, क्योंकि इंटरव्यू ऑब्वियसली पर्सनल और कस्टमाइज्ड होता है। एंड मोर ओवर देर आर मैनी, नो डाउट देर आर मैनी कैंडिडेट्स हू हैव फेवरेट राइटर्स इन कॉमन, बिल्कुल सही, एंड दे कैन बी डेल्ट इन सिंगल लेक्चर एज का। सही है। तो अच्छा, आपका सर माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप मतलब पैनल पे भी रहे हैं, अब ये बात करने वाली है नहीं लेकिन खैर, तो अभी ये है कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन जो आप करवा रहे होंगे उसमें थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी आप शेयर करें बच्चों को, हम बता देते हैं जो लोग इंटरव्यू प्रेपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली रजिस्टर हो सकते हैं, हमारा जो अकेडमी का नंबर है वो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं अदरवाइज़ भी। तो आपकी सर स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो ऑब्वियसली आप शायद ना जाएं, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल हाई लेवल पे थोड़ा बताएं इसमें। सर इसमें पहले तो ये बता दें बच्चों को कि टाइम कम है,
इंट्रो जो है वो सितंबर में ही रिजल्ट आया था इनका, मिड सितंबर में मेल का, और 3 अक्टूबर को जो है 3 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया, यानी 15 डेज के अंदर अंदर गोल्ड हो गया। सेकंड हमारी स्ट्रेटजी मेरी ये होती है कि मैं पहले तो एक जनरल लेक्चर देता हूँ इंट्रो के एटिकेट्स के मुतालिक, कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, डूज एंड नॉट। इसके अलावा हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने फेवरेट राइटर्स जो है ना मुझसे शेयर करें। सही है। जब अपने फेवरेट राइटर्स मुझसे शेयर करेंगे तो मैं उनके ग्रुप्स बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक राइटर एक कोई हमारे पास अगर कोई 50 का ग्रुप बनता है उसमें से 30 ऐसे हैं कैंडिडेट्स जो के वर्ड्सवर्थ को एज अ फेवरेट राइटर कर रहे हैं, कुछ शेक्सपियर को कर रहे हैं। सही है। हम उनको एक टाइम देंगे कि आप इनके मुतालिक लेक्चर होगा बाकायदा तौर पर, कौन सी चीज़ें तैयार करनी है आपने और कौन सी नहीं करनी। सही है। और जब वो हो जाएगा फेज ऑटोमेटिकली देन वी विल गो टू मॉक इंटरव्यूज, और हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, फिजिकल इंटरव्यू देना है तो इधर आए, ऑनलाइन देना है तब भी हम हाजिर हैं। तो है। उसका प्रोसेस ये होगा कि हम 2 से 3 इंटरव्यूज जो है ना वो मिनिमम हर बच्चे को करेंगे कि वो आके हमें दे। चलें, गुड हो गया। अच्छा सर, दिस हैज़ बीन वंडरफुल डिस्कशन। हमने आलमोस्ट तमाम, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली लिटरेचर का बैकग्राउंड तो नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ फाइनली हम इसको कंक्लूड करते हैं, आपके ख्याल में कोई चीज़ जो मुझे पूछनी चाहिए थी क्वेश्चन, या आप उसे ऐड ऑन करना चाहें बच्चों के लिए? सर बेसिकली हमने सारी चीज़ें हर एस्पेक्ट से देखी हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं या कुछ मार्जिन से रहे हैं उनको डिसार्ट होने की जरूरत नहीं है, उनको एक पैटर्न मिल चुका है किस तरीके से तैयारी करनी है, अपने लेवल पे तैयारी करें। और जो क्लियर हुए हैं उनको मैं फिर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि 2 कैंडिडेट्स पे नहीं है एक के अगेंस्ट, ये मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि समटाइम्स इट हैपन के जितनी की सीट्स होती हैं वो खाली छोड़ देते हैं अगर सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता उनको। तो योर सूटेबिलिटी जो है ना वो आपने साबित करनी है कि मैं सूटेबल हूँ। आप फर्दर इंटरव्यू की प्रेपरेशन अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो जो नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पे उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, और सर इमरान अनवर ऑब्वियसली आपको डिटेल के अंदर इसके अंदर लेक्चर्स देंगे, पैनल के अंदर CSP ऑफिसर्स भी शामिल होंगे, और आपके मॉक इंटरव्यूज जो हैं वो आप ऑनलाइन या ऑन कैंपस कंडक्ट करना चाहते हैं देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन ऑन कैंपस दोनों तरह से कंडक्ट हो जाएंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें, कोई भी आपके क्वेश्चन हैं तो कमेंट्स में लाजमी लिखिए। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। वेलकम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।